कैसे आप सब। जैसा कि पिछली दो वीडियो में मैंने आप लोगों को बता चुका था कि इजी मोड और इंस्टेंट कट मोड को कैसे आप यूज कर सकते हैं फिल्मोरा में। अब इस न्यू वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्शन गेम टूल फिल्मोरा का। ये भी एक फंक्शन है, फीचर है, आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो इसे चेक करते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है और हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्ट, बल्कि कम से कम कोई वीडियो ऐड करनी ज़रूरी है। ये वीडियो ऐड की हमने, अब इसमें फीचर्स क्या क्या मिल रहे हैं। पहले आ रहा फिक्स स्पीड कलर, फिक्स पर आ जाए। लेंस करेक्शन, लेंस करेक्शन मतलब कि आप बेसिक आमतौर पर जो सी है ना, ये आपकी वीडियो की रेजोल्यूशन होगी। जैसे आप कोई तस्वीर खींचते हैं किसी मोबाइल से, खींचते हैं किसी डिजिटल कैमरे से खींचते हैं, तो जब वो पिक्स की प्रॉपर्टी ऑन करते हैं तो वो नीचे शो होता है कि किस कैमरे से किस रेजोल्यूशन के साथ खींची गई है। तो ये वो प्रोफाइल देगा, पहले सेलेक्टेड प्रोफाइल। आप इसमें से ना GoPro Hero 5 कोई भी आप ऐड कर सकते हैं, कैमरा ऐड कर, बल्कि आमतौर पर ये नाम शो करेगा। जब इसकी वीडियो की प्रॉपर्टी आप ओपन करेंगे तो ये बताएगा कि रेजोल्यूशन कौन सी बनी है, सोनी की बनी हुई है या उसके बाद IOM कैमरा कुछ भी। और उसके बाद ये रही सिलेक्ट रेजोल्यूशन, रही बात रेजोल्यूशन की। अब इसकी रेजोल्यूशन जो चीज़ चेक करनी है, अब इनमें से हमने कोई भी जब इसको नाम देना क्लिक, अब हमें ये रेजोल्यूशन शो हो गया कि हम इसके किस रेजोल्यूशन में बनाना चाहते हैं। मतलब कि रेजोल्यूशन इसकी हम इंक्रीज कर सकते हैं 4K से लेके 2.7K और 1080 रेजोल्यूशन में, नैरो मीडियम वाइड जोन से भी आपको रेजोल्यूशन चाहिए। लेकिन वैसे अगर आपने कोई अपलोड करना चाहते हैं यूट्यूब पर तो MP4 या 720 रेजोल्यूशन बेहतरीन आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे नेट की स्पीड इतनी तो होती नहीं है। एक वीडियो आप अगर 100 MB के लगा दो तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे ले जाने हैं उसने। आगे आपने PTCL का फास्टर तरीन 4 MB पैकेज किया हुआ है। बेसिकली तौर पर हम लोग तो हम तो फ्री का वाईफाई लोगों का लेके यूज़ करने वाले होते हैं, या हद ज़्यादा से ज़्यादा जो उनसे 2 MB स्पीड लगा लेंगे, जिसमें हमें मिलती है 100 से 150 KB/s, वो भी खुश नसीब हो जो बिल्कुल PTCL के टावर के नीचे रहता हो। अच्छा आगे उसके बाद हमें मिलती है सिविलाइजेशन और ऑटो डिनाइस, बल्कि ये फंक्शन जो है ना बेसिकली तौर पर हमारे इतने यूज़ में नहीं आते। लेकिन ऑडियो, ये जो थर्ड वाला फंक्शन है, इससे हम ये होता है क्या कि वीडियो के बैकग्राउंड पे पीछे कोई ना आवाज़ है, आप उसे कम करना चाहते हो तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे स्पीड पे, स्पीड एड मार्क्स, स्पीड में हम इस वीडियो की आमतौर पर ये नीचे हमें दिया हुआ है, इसे हम बढ़ा भी सकते हैं कि इतने से हिस्से की जो स्पीड है ना रेगुलर वीडियो से तेज़ हो जाए। मतलब कि यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगी 1 2, जितनी मर्जी आप फास्ट कर सकते हैं। आगे रिप्ले, रिप्ले में ऑप्शन मिलती है, यहाँ पे हम वीडियो को 2 से लेकर 10 बार तक मतलब कि रिपीट कर सकते हैं। रिवर्स की ऑप्शन है, रिवर्स में हमें अगर मज़ीद 2 ऑप्शन मिल जाती हैं कि हम इसकी आवाज़ रखना चाहती हैं, इसकी आवाज़ रिमूव करना चाहती हैं। आगे आ गया फ्रीज मोड, फ्रीज मोड में भी हमें ये चीज़ मिलती है कि हमने ये चीज़ सेलेक्ट करना है, एरिया इतना जो सा हमारा एरिया है उतनी देर के लिए फ्रीज हो जाएगा, और इसके नीचे टाइम लिखे हुए 1 सेकेंड, और ये नीचे लिखा हुआ फर्स्ट प्ले में भी, सेकंड प्ले में, ये लास्ट प्ले में, ये ऑल प्लेस में, ये डिपेंड करता है ऊपर के हमने रिप्ले जो उनसे टाइमिंग है क्या सिलेक्ट की है। उसके बाद आ जाए कलर्स, कलर्स में हमें ब्राइटनेस मिल जाए, कंट्रास्ट आगे, जिसके बाद जो सी थे टेम्परेचर, और ये सारे मिल जाते हैं। आप वीडियो की जो सी लाइट वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, कुछ भी जो सा आप चाहें। आगे 3D LUT, बल्कि ये बेसिक तौर पे उन्होंने फिल्मों के जो सी है ना दिए हुए हैं, थीम्स दिए हैं, फिल्मों के इफेक्ट्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है बैटमैन, बैटमैन इफेक्ट, बल्कि बैटमैन का जो सूट है या उसकी वीडियो का जो सा था ना, वीडियो का इफेक्ट था थोड़ी देर के लिए, वहाँ पे आ जाएगा, कलर चेंजिंग हो जाती है। तो ये आम चीज़ थी, चंद एक चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी कि अगर आप इस तरह वीडियो को बनाना चाहते हैं तो ये भी इजी है। मतलब कि हर एक फीचर का एक अलग तरीका है, और स्टार्ट जो सबसे सिंपल तरीके से होता है। आप सिंपल से करेंगे तो हार्ड की तरफ जाएंगे, आप डायरेक्ट ही आगे फुल फीचर मोड पे जाते हैं कभी कभार नहीं समझ आती, और लाजमी नहीं है फुल फीचर मोड में आपको जो सा आपने जो इस्तेमाल करना है आपको वो फीचर मिल जाए। आप जो सा इंस्टेंट कट प्रो फुल फीचर मोड में वीडियो कट करने का भी तरीका है, लेकिन उस तरह आपको अक्सर नहीं समझ आती, इसीलिए इजीली पहले आप अपने लार्ज वीडियो में से वो सीन निकाल लें, फिर उसके बाद फुल फीचर मोड में जाके उसे ज्वाइन करके आप वीडियो बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।